बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी हमारा एक घंटा रोज़े का टाइम है, तो हम आज पकौड़े बनाएंगे, तो आपको आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इटली में पकौड़े कैसे बनाते हैं। चलो जी, हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पकौड़े वगैरह कैसे बनाते हैं। लो जी, देख लो जी फ्रेंड, साड़ी इटली की लाइफ चेक कर लो। ये पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, तो ये अभी रेडी हो रहे हैं। तो बिलाल भाई कितना टाइम रह गया, उमेर भाई कितना टाइम है रोजे को, रोजे खुलने को? तकरीबन एक घंटा है। ये जी हम पकोड़े तैयार कर रहे हैं रमज़ान के लिए। तो एक और डिश दिखाते हैं आपको इफ्तार के लिए। ये देखें जी, ये हम एक और डिश तैयार कर रहे हैं जी। उमेर भाई ये क्या डिश का नाम है जो आप बना रहे हैं? सजी। नहीं सज क्या, ये तुर्कश डिश तैयार हो रही है जी। तुर्की डिश चिकन है या चिकन है? तुर्की डिश है। इसको अभी हम फुर्न में लगाएंगे, फुर्न में लगाएंगे तकरीबन 45 से 50 मिनट तक। जो झुकते थे इन कांधों पे, इसमें हमने पालक भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जीरा मिर्च, तो हम जो रेड मिर्च है वो तो हम यूज़ नहीं करते, वो तो ज़्यादातर पाकिस्तान में यूज़ की जाती है। हम यहाँ पर ज़्यादातर हरी मिर्चें ही इस्तेमाल करते हैं। बिलाल भाई ये कितने पकौड़े इसमें कढ़ाई में आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 पकौड़े अभी तकरीबन है। 28 पकौड़े निकालते हैं हम, हर बंदे के 7 पकौड़े। ये तकरीबन कितने रह गए हैं? और आई थिंक एक और है, दो दफ़ा और दो परागे होंगे, और एक परागा या दो परागा। थे इन कांधों पे पर भी थे। बिलाल भाई तैयार नहीं होगे? नहीं सर, आप तो हमारे कुक हैं बहुत बड़े, इसलिए आपसे पूछे। हमें तो पता नहीं जी जी कोड़े बनाए कैसे जाते हैं। जी जी अल्लाह माफ करे, ही पढ़ने पर आपको भी लग रही देख ले फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ता है, इफ्तारी का खाना भी प्रदेश में जो भी करना है वो भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मौजी होती है, हर चीज़ पक्की पकाई मिलती है, बनी बनाई हर चीज़, कपड़े दस्तरखान के ऊपर, दस्तरखान के ऊपर कपड़े वगैरह सब कुछ इसी में मिलते हैं, लेकिन प्रदेश में तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अभी हमारे पकौड़े को तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद तैयार हो जाएंगे। 2 मिनट ला बचा तो भी काट लेगा। उसके बाद ये फुर्न है जी हमारी, ये एक और डिश तैयार हो रही है। ये देखें, ब्रावो। जो झुकते थे इन कांधों पे, बिलाल भाई तैयार हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई क्या बात है, जबरदस्त तैयार हुआ, जबरदस्त। ये अमर भाई दरवाजा खोल दो यार। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है बिलाल भाई, सब मिलके पढ़िए। मिलके नहीं पढ़ो ये रमजान है। अल्लाह माफ करे, बहुत लग रहा, बहुत गड़बड़ कर रहा। चलो जी ब्रावो जी, मेरी दुआ है जो जो ये हमारी वीडियो देखे, अल्लाह पाक उसको जिंदगी में कामयाब करे, अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे, और जो शेयर करे उसको और अल्लाह पाक दे जो हमारी वीडियो शेयर करे देखे। वैसे हमारे लिए, हमारे सबके लिए दुआ है, कोई वीडियो देखे या ना देखे, क्यों बिलाल भाई? जी, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अमेर के काम चेक करो यार, धुआं धुआं अंदर कर दिया। ब्रावो। जो झुकते थे इन कांधों पर भी थे,
बड़ा भाई इतने इतने बड़े हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बड़े तो नहीं ना। आज आलू बारीक है, ज़बर आज आलू बारीक है ना यार, ज़बरदस्त है। मुझे कुछ नहीं हुआ है? क्या हुआ? एक और ठीक है, उधर भी खा गया यार, जबरदस्त है। उमर भाई तुम्हारी डिश कितने पहुंची है? साड़ी डिश मुझे लंबी है, रायता बनाना है, मैं आज फ्रूट कटना है, मैं और रायता बनाना है। रायते तो बगैर, हां हां जबरदस्त बराबर। मीको तुम बहुत क्यों जाते हो मेरी? हमारे घर में एक और इंसान रहता है, उसका क्या नाम है चौधरी, उसको भी खबर है? जो झुकते थे ये जो पकोड़ा होता है ये बिल्कुल हल्की आंच पे सही पकता है, अगर इसके नीचे आग ज़्यादा हो तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से जल जाता है सारा। ये बात है बिलाल भाई, मैंने बिल्कुल ठीक बोला है जी, सर आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। जी जी लग रहे हैं आप। कौन? बहुत भूत लग रहे हैं। अल्लाह माफ करे, माफ करे, क्या बोल रहे हैं यार ये, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बहुत भूत लग रहे हैं आप दोनों। कितना टाइम है मेहर भाई? अच्छा जी हमारा अच्छा जी, हमें इधर एक फ्लाइट मिला हुआ है हुकूमत की तरफ से, हमारा एक ही काम है यहाँ पे, खाना सोना पीना लेट जाना, और हमारा क्या काम है इधर, इसलिए हमें रोजे का महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है यहाँ पे। हाँ लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ ही बंद है ना, इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन खत्म होएगा इनको सबको खूबसूरत जगहों की सैर कराई जाएगी। खूबसूरत है जगहों की सैर कराई जाएगी, ब्यूटीफुल प्लेसेस। यस 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 यस, ऐसे रह गए हम इंशाल्लाह। जो झुकते थे ये देखो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने जबरदस्त पकौड़े तैयार हुए हैं। अभी रोजा रखा है, मुंह में पानी आ गया, रोजा देखिए अपने मुंह में पानी आ रहा है बार बार, क्या क्या करना है बस करो यार। अच्छा आपके मुंह से भी पानी आ रहा है जी? ओके अच्छा जो आ रहा है वो पानी है, लेकिन जी बिलाल भाई मैं एक हिसाब लाया है, ब्लॉग वीडियो बनाते पंजाबी ज़बान बहुत मजा आता है। मैं लेकिन पता क्या वजह है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं लाहौर पे जिनको पंजाबी नहीं आती, सबको पंजाबी आती, समझ लेते हैं बोले चाहे ना बोले। जो उर्दू जबान ये पता है तुम्हें, जो हम बोलते हैं ये इंडिया में भी बोली जाती है, ऐसी है। इसके अलावा उर्दू हर कुछ समझ लेता है, इंडिया सारे पास नहीं पंजाबी बोली जाती, पंजाबी हर बंदा समझता यार, समझ के गल ही गल बोलन दी समझ हर बंदा लैंदा है, डिफिकल्टी ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, बोलन नहीं होंगी यार, बोलन नहीं होंगी, समझ हर बंदा लैंदा यार। बहुत मनुष्य लग रहे हो कसम से, ऐसे चलो आप बता दिए ना, लो जी ये अमेर भाई फ्रूट तैयार कर रही है इफ्तारी के लिए। मेहर भाई ये क्या क्या है? सेब हो गए, सेब, केला, उसके बाद आलू बुखारा है, आलू बुखारा, खुबानी होगी, केला है। अच्छा बाकी चीजें फ्रिज में पेंगे ना, तेल से पकाने? हां फ्रिज में बाकी पड़ा हुआ है वो जो वो टाइम में बाहर करके मुर्दे ठंडा होता है खाने को, जल्दी करता हूं क्या फालतू का ठंडा होता ज्यादा ना क्या। खुबानी खट्टी कैसे निकली यार, मैं क्या कीती है लो जी हमारी इफ्तारी का सामान जो है वो तैयार हो रहा है, बस क्या रह गया मेहर भाई, बस फ्रूट हो गया, रायता रह गया, बस पकौड़े भी बस खत्म होने वाले हैं, ये एक परागा रह गया बस।
ये जी फ्रूट भी इफ्तारी का तैयार हो गया जी। यार इसको साफ करना पड़ेगा ना बिलाल, साफ ही है, गंदा नहीं है इसको। मेरे अंदाजे में इसकी जो हवा है, जो हवा वो ऊपर नहीं जा रही, जाती है सारी, तो जाती है बाहर, तो हाथ काट देगा। ये जी प्रदेश की जिंदगी है, प्रदेश की जिंदगी, प्रदेश नहीं यूरोप, प्रदेश यूरोप को प्रदेश नहीं बोलते, नहीं और मेरे भाई यूरोप को प्रदेश नहीं बोलते, दूसरा जो दूसरे प्रदेश है उनकी जिंदगी अलग है, यहाँ की जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है जी, तो जो सोचे थे भैया उनकी जिंदगी बहुत आसान है आपके दादे में, उनके बड़ी वजह में उनको पता है कि रमजान के महीने में कैसे सबको मिलती, सबके वजह रमजान में, उनसे उनको पूछो कि क्या होता है सारा, सारी चीजें ला गया मेरे दोस्त कमा लिया था उन्होंने, लेकिन गल मैं रमजान भी तौर पर कर लिया दुबई के सऊदी के सड़क के उपर उतारी मैं पवे व्डे व्डे दफ्तर लगे होंगे, ड्यूटी घट जाती है, छुट्टी हो जाती है लोगों को, इतने गोरन नहीं मिल जाना है नहीं है मैं तो गर्म क्यों बड़ा गर्म है ये दरबानिया दो दर हाथ तीन बनाने पकौड़े और तीन दो बनाने तीन कुछ त्रै बंद यार ये एक ही बनेगा इसके बाद देखो बना ना निके निके दो बना देखे होना ठीक है लेकिन ये तो बड़ा नहीं ना खराब करता है ये बड़ा साफ का कितना टाइम लगेगा ये छोटा बहुत है तो मुझे इजाजत दो मैं काम कर सारा साफ कर मुगा थले रख ना बेसन साफ कर सारा इकट्ठा करके देखो वेट जी फ्रेंड्स आज की वीडियो ये थी, आपको बताया था कि हमने पकौड़े वगैरह कैसे बनाए हैं, तो इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।